In

अल्लाह आलमीन ने इशात फरमायाती बैठो बेटे तो अल्ला आलमीन ने इस आयत करीमा फ़रमाया वकुन फ़ीहा काबिल गौर बात आतीकबिले है इस आयत करीमा की तफसीर में कि अल्लाह आलमीन ने फ़रमाया कि वकुन फ़ीहा मनाफिया तुम्हारे लिए उसमें मुनाफ़े हैं मुनाफ़े से यहाँ पर क्या मुराद है इसकी तफसर के सिलसिले में इमाम मोहम्मद इब्न जरकबरी रहा ने अहिल के कई एक अकवाल जिक्र किए हैं कि मुनाफे से मुराद क्या है कुछ असाब इल ने मुनाफे का ये माना लिया है क्या है मैं आगे जिक्र करूँगा कुछ असाब इलम ने एक दूसरा माना लिया है मुनाफे का कुछ असाब इल ने एक और माना लिया है मुनाफ़े का तकरीब तीन से चार महानी हमें मिलती हैं मुनाफे के तफसर में ये बात मुझे आपको यहाँ इसलिए जिक्र करना पड़ रहा है कि अल्लाह सुबहान तनाफ़े का ताल्लुक कहा कि जो उसमें है वकुम्फ़ी हा उस में अब फ़ीहा में जो हा की ज़मीर है कहाँ अद कर रही है उसके से मनाफे के से मुनाफे की तफसीर होगी वालकुम फ़ी हा मनाफिया वलकुम फ़ी हा यानी वालकुम फ़ी शाह वलकुम फ़ी शाहरल ही अब शाहरूल्ला का माना क्या होगा उसी के हिसाब से मुनाफे की तफसीर होगी अब मुनाफे का जो माना मुराद लिया जाएगा उसी हिसाब से इला अजली मुसमा का माना बनता है इमाम मोहम्मद इबन जरीर तबर रहा ने बहुत ही तफसील से बहुत और बहुत तूल दिया आपने और इन्हीं तफसीलीमावर्दी रम्ह ने उनकी जो तफसर है अनुकत वाल जो हमारे पास तो नहीं है लेकिन अ में मौजूद है उसमें आपने इसको मुल्खस करके ज़िक्र किया है बहुत आसानी से समझने के लिए मोहम्मद अब्न जरी रतबारी रहा ने जो तफसील से जिक्र किया है मैं उसी हिसाब से आपके सामने रखूँगा क्योंकि वो भले ही बहुत मुफसल और जिक्र किया है आपने और बहुत तोल दिया लेकिन बहुत ही आम फहम अंदाज़ में इसको बयान किया है इमाम मोहम्मद अब्न जरी रतबारी ने रहा अल्लाह ताली ने फ़रमाया व लकुम्फी मना फ़िर अजलमूसम मुनाफ़ का माना और मफहूम किया है कि इसका ताल्लुक़ है शाहरुला से कि शाह इर में तुम्हारे लिए मुनाफ़े हैं शाहरुला से मुराद क्या है इस सिलसिले में हमने पिछली नशित में बहुत ही तफसील से आपके सामने इस बात को रखा कि उससे मुराद वो कुर्बानी का जानवर है एक हाजी यमुन्हर में जो जानवर को ज़ुबह करता है जिसे अलहद कहा जाता है वो मुराद है वहाँ पर शाला से कि उसको मोटा ताज़ा वो हो और उसको जो है वो खूबसूरत हो उम्दा हो क़ीमती हो और सारी जो कुछ ख़ूबियाँ उसमें हो सकती ही हो तो उसकी ये सारी चीज़ें यानी शाला में आ जाती हैं तो रबालमी ने फ़रमाया आयत नमर एक आयत नमर बत्तीस में सोतल हज की वमिन आउम शाहरल्ला फ़ान् हामिन तकलूब तो फिर अल्लाह ताली ने उसी ज़िन में कहा वक़ुनफी हामाफिया तो मुनाफियों का ताल्लुक़ उसी से है शाला से और शाला से मुराद वो कुरबानी का जानवर है अब ये जो मुनाफे वाली जो बात है यहाँ मुनाफ़े का मतलब ये है कि एक मुसलमान जो कुरबानी का जानवर जो ख़रीदता है कुरबानी के जानवर से मुराद वो जानवर जो एक हाजी लेके जाता है एक हाजी जो अपने ज़िम्मे रखता है यमुना नहर में जुबाह करने के लिए आजकल लोग इस जानवर को अपने तई ले नहीं जाते हैं हो सकता है अरब अरब के आसपास के कुछ अरब में रहने वाले या मक्के के खुरब जवार के कुछ मुसलमान लेके जाते हैं नहीं लेके जाते हैं ये भी मेरा एक तखमीना है मेरा अंदाज़ा है ये कोई ठोस इल्म की बुनियाद पर मैं नहीं बता रहा हूँ लेकिन इस दौर में तो ये चीज़ नहीं है कि जो है कोई शख्स हज करने के लिए जाता हो तो साथ में जानवर भी लेके जाता हो लेकिन मान लीजिए कि जिस शख्स को ये मैसर हो कभी मैसर था और हो सकता है आने वाले दिनों में कभी मैसर हो किसी को यह हुकम है अब ऐसी सूरत में जो शख्स यौमर में एक हाजी जानवर जुबाह करने के लिए जो जानवर की ख़रीदारी करता है और जानवर लेकर जाता है तो चूंकि उसकी अपना उसका अपना एक अहतराम है उस जानवर का उसकी अपनी कीमत है अल्लाह के यहाँ कि वो यमनाहर में जुबाह किया जाएगा वो वो अलहद यू है वो ऐसे में उस पर सवारी करना उससे दीगर फ़ायदे उठाना ऊँटनी हो तो जो है उसका दूध पीना या अगर जो है इस दौरान में उसने जो है बच्चे को जन्म देती हो तो उसको जो है अपने फ़ायदे में लेना उस पर सवारी करना वगैरह वगैरह जो भी एक जानवर से मुस्तद होने की बातें आती हैं क्या इस जानवर से भी एक हाजी मुस्तफ़ हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमी ने कहा कि वकुम फ़ीहा मनाफिया क्योंकि फ़ीहा में जो हा की ज़मीर है वो शाहरुला की तरफ़ आवत कर रही है लौट रही है और शाह से वही जानवर मुराद है और उसके हक़ में मुनाफे की अगर बात करेंगे तो फिर मुनाफे का ताल्लुक इस दुनिया से है तो इसी एतबार से कि आप उससे किसी तौर तो पर भी मुस्फ़द हो सकते हैं जब तक कि उसे ज़ुबा न कर दिया जाए हर एतबार से हाजी उससे मुस्तफ़ हो सकता है यही उसका माना मफहूम है एक आलमी दीन है अन नुक़त जिनकी किताब है अन नुकत अद्दाल्लाबैयान نكت القران الدال على البيان ا 4 جلدو میں میرے پاس یہاں پر رکھی ہوئی ہے محمد القصاب رحمه الله کی 360 ہجری سن وفات ہے اپ کا میں نے اس کتاب سے متعلق کافی مرتبہ کہا ہے تو اس کتاب میں اپ نے وہ جو ایت کریمہ ہے آ, وَلَكُمْ فيها منافع الى اجل مسمى اس ایت کریمہ کی تفسیر میں اپ نے کہا کہ في هذه الايه دلاله على ان البدن اذا جعلت شعائر कि एक जानवर जब वो एक हाजी इस एतबार से उसे अपने ज़िम्मे लेता है एक हो सकता है एक आदमी के पास एक जानवर है ऊँटनी है उसने उस ऊँटनी को या उस ऊँट को अपने पास पहले से रखा था अपने किसी काम के लिए अब उसने उसको ये नियत कर ली कि अब मेरे लिए जो है कुर्बानी का जानवर होगा अब वो हचकले लेके जा रहा है उसको तो क्या अब वो जो इससे पहले मुस्फ़द होता था आज से वो मुस्तफ़ नहीं हो पाएगा कहा कि इजाजो शायर जब वो कुर्बानी के लिए खास कर दिया गया है वो जानवर फिर भी एक हाजी उससे मुस्तफ़ हो सकता है कहा कि फ़ला या हरमान्तफ़ा उससे इंतफा उससे फ़ायदा उठाने से वो महरूम नहीं रहेगा कल जैसा वो उस जानवर से मुस्तफ़ होता था आज उसने इस जानवर को एक हाजी ने यह नीयत कर ली कि अब मैं हज को जब जा रहा हूँ अब उसके लिए इसको, इसको इस्तेमाल करूँगा तो वो किसी तौर तो पर भी उससे इंतफा में उससे फ़ायदा उठाने में महरूम नहीं रहेगा फिर वह हरी वर्री एलांत नहर जब तक उसे ज़ुबाह नहीं कर दिया जाता उसे नहर नहीं कर दिया जाता उस ऊँट को तो जब तक वो उससे जो है मुकम्मल तौर तो पर मुस्तफ़िद हो सकता है उसका दूध पी सकता है उस पर सवारी कर सकता है वगैरह हाफिज़ इब्न इमकिर रहा ने इसीलिए इससे जो इंतफा की बात है इससे जो मुस्तफ़िद होने की बात है यानी जो आम जानवर तो आम जानवर ही है लेकिन उस जानवर को जब उसने ये नीयत कर ली कि अब उसको मैं हज के लिए लेके जाऊँगा और यूम नहर में करूँगा या ज़ुबह करूंगा तो उससे जो वो मुस्फ़द होगा एक हाजी हाफिज़ बबनकरम्ला ने उन आयत की रोशनी में ये बात बताई है कि जिस तरह से आम जानवरों से वो मुस्तफ़ होता है वैसे ही मुस्तफ़ वो इन जानवरों से भी होगा जो वो अल्हजी जो कुर्बानी के लिए ले लेके जा रहा है एक हाजी الله رب العالمين نے سوره النحل میں فرماية والله جعل لكم من بيوتكم سكانا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستقفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين الله رب العالمين نے ایک جانور انسان जो जो घर अल्लाह ने इंसान के लिए अता की हैं घरों से मुतल गुफ्तु करते हुए अल्लाह रब्बुल रब्लमी ने कहा कि एक ऊंट या एक कोई भी एक जानवर जिसे इंसान मुस्तफ़ होता है उसकी खाल से उसके बाल से और उसके गोश्त बोश्त से या उसकी सवारी से या किसी तौर पर भी एक इंसान जो मुस्तफ़ होता है एक जानवर से जो किसी तौर पर भी फ़ायदा उठाता है उसकी जो तफसीर अल्लाह रब्लमी ने यहाँ बयान की है वैसे ही जानवर को कोर्बान करने तकबान गह ले जाने तक जो कुछ उससे वो मुस्तफ़ हो सकता है जाए इस तरीके से मुकम्मल तौर तो पर वो मुस्तफ़ हो सकता है यह आयत ला करके इबन कसीर राम ने इस जानब इशारा किया है अब सूरत यासीन के अबाखिर की उस आयत करीमा को भी सामने रखे ताला ने कहा खलकना लहुम नम अमिलत एदी आमन फहुम लहा मालिकून वहालून व्यनाफ़ वशरून इन आयात में भी जो सर यासिन के बिल्कुल अवाक़िर में हैं अल्लाह रब्लमी ने जानवरों को किसी की मिलकियत में देते हैं और जो है उसको वो आ, हर तरह से मुस्फ होते हैं सवारी भी करते हैं उसका गोश्त भी खाते हैं और उसके और भी बहुत सारे मुनाफे हैं भले ही जो है यहाँ पर एक शख्स जो एक हाजी है उसका जो उसके पास जो आम जानवर था या अब उसने ख़रीदा है और वो हज के लिए ले जा रहा है उसको उस दौरान में वो किसी तौर पर भी उससे मुस्तफ़ होता है उस पर सवारी करता है उसका दूध पीता है या उससे होने वाली औलाद को जो है अपने काम में लाता है अपने 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 पास जो है मतलब उससे भी मुस्तफ़ होता है वो सब 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 उमूर उसके लिए जायज़ है ज़ाहिर बात है खाने पीने का तो मामला नहीं जुड़ा है, उससे। उसको तो वहां जाके नहर करना है लेकिन इस दौरान मुस्तफ हो सकता है ये सिर्फ इल्म के अखवान नहीं है, के के सिर्फ इतनी बात है कि तफसर में भी साबित है यह चीज एक हदीस मुबारक है जो अबू हर रजी से मरवी है किजमे और सही मुस्लिम की भी किताब अबू हरानजी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को देखे कि जो यानी सवारी करके आ, साथ में सवारी है सवारी से मुराद एक ऊंट है उनके पास आ, साथ में और ऊंट को लेके जा रहे हैं वो शख़्स ये रसूल ने हज के लिए आए हैं और बिन हजर रहमल ने इस हदीस का जो दिरासा की हैं फतौहुल बारी में इसके जो तुरुख आम तौर पर आप बताते हैं उसमें आपने बहुत सारी बातें लिखी हैं हाफिज़मन हाजर रहमाला ने कि वो शख़्स चलते हुए आ रहे थे और बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के साथ चल रहे थे ऊँट को जो है ले जाते हुए रहा मसला ये कि जो है मतलब वो बग़ैर चप्पल के चल रहे थे कहा इन रिवायत पर तो इबन हाजर रहा ने कहा कि वो ज़िइफ़ हैं लेकिन उनका चलते हुए आना और बा मशक्क़त चलते हुए आना और फिर उनकी उनकी उनका जो है सवारी से ही आदमी थक जाता है ये और बात है कि चलते हुए आदमी आए कितनी मशक्क़त होगी उन और और वो कौन सा है भी? ने कहा कि जो मैं नाम से वाकिफ नहीं हो पाया हूं कहने का है कि अल्लाह के ने देखा तो आप ने कहा कि कब भा तुम्हारे साथ में सवारी है तुम उस पर सवार हो जाओ अब उन्होंने अल्लाह के रसूल से यह वजाहत फरमा दी कि इन्हा बदना है ऊंट है।, है जो इसे मैं लेके जा रहा हूँ लेके जा रहा हूँ उसको जो है मैंने मैंने तैयार कर रखा है उसके लिए मैंने जो है मतलब ख़ास कर दिया है कि अब इसके लिए सवारी क्या कहते हैं ये में इसको मैं नहर करने वाला हूँ जुबा करने वाला हूँ अल्लाह के रसूल ने कहा कि इर्कब है दोबारा भी कहा अल्लाह के रसुल ने और दोबारा इन्होंने यही जवाब दिया तीसरी मरतबा अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लम इर कब हा वई लख यानी अफसोस है तुम पर मैं एक से दो मरतबा बोल रहा हूँ और आप फिर भी यही बात कहते जा रहे यानी अल्लाह के रसूल ने नहीं पूछा ना उनको ये नफिल हैज है कि जो है फ़र्ज़ हैज है ये ये तफस तो नहीं मांगी अल्लाह के रसूल ने यह तफसला तो नहीं तलब की अल्लाह के रसूल ने जैसे कि हाजर तो ने कहा रहा ने उनको देखा बस ये कौन सा जानवर है ये तुम्हारा आम जानवर है कि जो है यौमनाहर में उसको अब तुम नहर करने वाले हो ये सब तफसला तो नहीं तलब की ना अल्लाह के रसूल ने बस आपने उनको देखा और कहा कि सवार हो जाओ और ये कहते ये सफाई देने के बाद भी सवार होने के लिए कह रहे हैं खैर आप सलाम में आप अली सलाम ने यानी गोया के गोया एक नागवार गुजरी आपको ये बात आपने कहा कि इरकब है वही लक मैंने आपको बाहर आके रहा हूँ आप जो इस पर जो है सवारी नहीं कर रहे हैं इमाम बुखारी रहा ने इस हदीस को ला करके जो, जो अनवान कायम किया है किताबुल हज में कि बाबू बाबू रुकी बिलबुदन यानी ये जो ऊंट है जो ऊंट के एक शख्स ख़ास कर दिया है अलहद के हसीियत दे दिया है उसको जो कुर्बान का लेके जाएगा एक हाजी और जा करके के वहाँ नहर करेगा वहाँ ज़ुबा करेगा उससे वो मुस्तफ़ हो सकता है सवारी भी उस पर कर सकता है ये इमाम बुखारी रहम् ने बाप क़ायम किया इमाम नवावी ने भी रह इससे मिलता जुलता बप कायम किया है सही मुस्लिम पर इस हदीस पर सही मुस्लिम की इस हदीस पर अलबा बाज़ाह ने इतनी बात ज़रूर कही है बल्कि अक्सर असाब इल्म ने बात कही है कि वो इस तरह के जानवर पर सवारी कर सकता है लेकिन उसे हाजत हो तो अगर उसके अलावा कोई और जानवर है उसके पास या कोई और उसके लिए जो है मतलब आसानी है तो फिर इसको तर्क कर दे बिल्कुल भी इसके बगैर कोई जानवर नहीं है तब जा के इस पर सवारी कर ले और ये भी जो है हदीस से मुस्तफ़ाद है देखिए जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं इस दौर में ये कज़िया नहीं है कि हम अपने साथ जानवर लेके जाते हों चाहे हम हिंदुस्तान से जाएं हम चाहे हम अरब से जाएं अब अरब से मुतल अगर बात करते हैं तो बिस अगर हम मक्का और उसके कौल व जवाब की बात करते हैं तो वहाँ के हजाज क्या करते हैं फिर ये मेरे इल्म में नहीं है मैं तकल्फ़ नहीं करना चाहता हूँ कि ये और ये कहने के लिए लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो है आलमी सतह पर जितने भी लोग हज करने के लिए जाते हैं कोई अपना जानवर साथ लेके तो नहीं जाते हैं पहले से वो बंदोबस्त रहता है पूरा मुकम्मल एक पैकेज होता है वो उसी में वो चीज़ हो जाती है लेकिन जब ये आयाती नाजिल हुई इस तरह के अहादीस हमारे सामने आती हैं तो उस वक्त यह मसला था और ज़माने तक था मसला करीब करीब तक भी यह मसला था अब हो सकता है आने वाले दिनों में भी कभी मामला हो लेकिन तो इस एतबार से आयत की तफसीर के हद तक की बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि उस जानवर से किसी तौर तो पर भी मुस्तफ़ एक हाजी हो सकता है सवारी भी उस पर कर सकता है उसका दूध भी पी सकता है लेकिन सवारी की जो बात है वो उस हद तक उसके लिए दुरुस्त है कि उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है इसलिए कि सही मुस्लिम की एक हदीस से मुबारका है किताबुल हज की जाबिर इब्न अब्दुल्लाह इबिन अब्दुल्ला रज़ील्हुमुमुमा से किसी ने पूछा कि जो है क्या हम इस पर सवारी कर सकते हैं जो जानवर के अलहद यू है यानी जो यानी यमुन नहर में एक हाजी लेके जाके जो नहर करता है जुबाह करता है जो भी उसके उस पर वो सवारी भी कर सकता है तो तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह आब्दुल्ल रजील्मा ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि इर कब हा बिलमाफ इज़ा उलजा एजा उलज एलह यानी तुम उस पर जो है मरूफ तरीक़े से जैसे तुम ज़रूरत के बकद्र सवारी करते हो वैसे सवारी करो जब तुमको उसकी हाजत हो जाए उसके बग़ैर चार आना हो हक ता जिदा जहाँ यानी तुम दूसरी सवारी अगर आप मैसर हो तो उस पर आप सवारी सवार हो जाओ इस पर नहीं वरफी नफसी ही इस पर सवार होना कोई हर्ज नहीं कोई गलत नहीं है कोई ख़ता नहीं है ये शाह इर उल्ला के के नहीं है और दरअसल ये कुफ़ार पर रद्द भी है ये कुफ़ार और मशरकिन जो जो मशरिके मक्का हैं जो अरब के जो मशरिक थे जो इस तरह की सवारी पर सवार होने को ऐब समझते थे और जो है उनके जो एतकादात में ये बात थी कि उसे इस्म और गुनाह समझते थे वो तो इस्लाम ने कहा कि शायर के तज़ीम की जहाँ अहमियत इस्लाम ने बताई कहा कि ये तज़ीम के मुनाफी नहीं है कि आप उससे मुस्तफ़ ना हो पाएँ आप उससे जो है मुंतफे ना हो पाएँ इंतफ़ा से आप महरूम रहें यह मकसूद नहीं है कि आप जो है तज़ीम नहीं बजा ला रहे हैं ये उससे मकसूद ये इससे जो है मतलब नतीजा ना निकाला जाए तो इस एतबार से एक एक, हाजी जिस जिस एतबार से उससे जो उसकी ज़रूरत होगी वो उससे वस्तफ होता रहेगा अब सवाल ये पैदा होता है कि वलकुम्फी हाँ मुनाफे इन में तुम्हारे लिए मुनाफे भी हैं लेकिन किसी तौर पर भी आप मुस्तफ हो पा रहे हैं ऐसे में इला अजल मुसम्मा तो यहाँ पर इला अजल मुसम्मा का माना क्या होगा इला अजल मुसम्मा का माना जैसे तबरी रहा ने कहा कि इन असाब इल्म के पास इला अजली मुसम्मा का माना ये है कि जब तक इला इलाहर जब तक वो क़ुरबान गह तक वो जानवर नहीं पहुँच जाता और उसकी मियाद नहीं हो जाती जब जानवर को नहर करने की ज़ुबह करने की करने का वक्त आ जाता है उस वक्त तक आप मुकम्मल तौर पर उससे मुस्फ़द होते हो हो सकते हैं जब तक के इला अजल मुसम

बात यही है उसमें कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजीमां यह कहते हैं कि एक आदमी ने अपने पास जो उसके पास जानवर है पहले से एक ऊँट है उसके पास या उसने बतौरे हाजी हज है, करने के लिए जा रहा है और उसने ऊँट की खरीदारी की उसके पास ऊंट नहीं है उसने ऊँट की उंट नहीं की खरीदारी की तो क्या उससे वो फ़ायदा उठा सकता है कहा कि उस वक्त तक उठा सकता है जब उसके पास जानवर है आज एक आदमी के पास ऊंट है उससे मुस्तफ हो सकता है किसी तौर पर भी जायज तरीके से या आज उसने कोई ऊंट नहीं खरीद ली है उससे मुस्तफ हो सकता है लेकिन कब तक उससे वो फ़ायदा उठा सकता है जब तक कि आप उसे अलहदयू का नाम ना दे दें यानी जिस वक्त आपने ये तय कर लिया कि अब यही ऊँट में जो है वहाँ जा कर के नहर करूँगा उस वक्त आपसे वो सारे जो आप उससे मुस्फ़िद होते थे सारे जो आपकी जो इंतफा की जो, जो शक्लें थी सब ख़त्म हो जाएंगी ये मकसूद है बिन अब्बास को कहा कि मालम मूसम बुदनन जब तक आप उसे अलबुद अलहद यू नहीं कह लेते जब तक आप उसे ये नहीं तय कर लेते कि आप यही जानवर मान लीजिए कि एक आदमी ने जानवर की ख़रीदारी की जाए अपने आम फायदे के लिए तो उससे हो सकता है लेकिन आज उसने तय कर लिया कि अब इसी पर मैं जो है इसी को ले जाऊंगा और करने के ले जाऊंगा इस साल और इसी को मैं नहर करूंगा तब आप उससे किसी तौर तो पर भी मुस्तफिद नहीं हो सकते जब तक आप ये नहीं करते की तफसीर में यही बात की इब्न अब्बास ने रजील्लामुमा कि वोलाकुमी हाँ मुनाफ़िया तुम्हारे लिए उस जानवर से मुनाफे ही मुनाफे हर तरह से मुस्तित आप होते रहिए कब तक इला अजलि मुसम जब तक आप उसे वो नाम नहीं दे देते तब तक आप नियत नहीं कर लेते यानी अजबूह जब आपने उस पर वाजिब कर दिया कि ये जानवर ही तुम्हारे लिए जो है, मतलब क़ुरबान गार लेके जाना है जब आपने ये नीयत कर ली जब आपने ये इरादा कर लिया वही है इला अजलि मुसम वही है वक्त व उस वक्त से फिर आप उससे जो है मुस्फ़िद नहीं हो पाएंगे ये मक़सूद इब् अब्बास कर रफी अल्ला ध्यान दीजिएगा इस बात को लेकिन ये ये वो जो पहले वाला कौल जो मैंने आपको मुफसल जिक्र किया है वही जो है राजे है वही जो है मतलब दुरुस्त है राजे है और वही दुरुस्त भी है और वही जो है अक्सर साहब आम ने पेश किया है और ये एक तोी अब्बास से मनकूल है जो कि बसनत ज़ायफ़ इकमाम मुजाहिद रह से भी एक कौल नकल किया है इमाम तबर रदल फ़ौर बाद इमाम मुजाहिद रहमाला कहते हैं कि वकुमती मुनाफ़ हो कि तुम्हारे लिए मुनाफे हैं उस जानवर में किस तरह के मुनाफे कहाँ कि अरकूब व लबन वल यानी उससे आप सवारी कर सकते हैं उसका आप दूध पी सकते हैं उससे आप जो है यानी उससे होने वाले औलाद से आप मुस्तफिद हो सकते हैं लेकिन कब तक एलाजल मुसम्मा इला अजल मुसम्मा यानी इमियत सत ये जो अलबुदन है ये जो शाह है ये ये जब आपने उसे नाम दे दिया फैदा आपने उसे अलबुदन अलहदी का नाम दे दिया आपने यानी जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि जो है ये ये आपके लिए कुर्बान का लेके जाएंगे आप इसको आप बतौर हाजी इसको जो है वहाँ जाकर के नहर करेंगे जब आपने इरादा कर लिया जब आपने इस जानवर को वो नाम दे दिया तो वही है इला अजल मुसम्मा इनके पास इमाम मुजाहिद और आपके उस्ताद बिन अब्बास के पास रजी अल्लाह रजीम इसीलिए इमाम मुजाहिद ने कहा रह फ़ैदा सम्म बुद्न और हदीन राहबाली का कुल्लु तो ये सारी जो आपके जो इंतफ़ात की जो शक्लें हैं जो आप मुस्फ़ी होते थे उसकी सवारी पर करके या उसका दूध पी करके वगैरा वगैरह सबसे आप जो है मतलब बहरहाल दस बरदार हो जाएंगे ये सब चीजें आपसे निकल जाएंगी जिस दिन आप नाम देंगे पहला वाला कॉल एक अलग है दोबारा सुन लीजिएगा मैं दोहराऊंगा नहीं क्योंकि बात रिकॉर्ड हो रही है लेकिन दूसरे कॉल में ये बात आती है जो इमाम ने कहा। ये एक बात है और इमाम मोहम्मद इबनबर ने मजीद अकवाल भी जिक्र की है महा किलूब वकुम्फिया मनाफियाओ कहाँ के मनाफियाओ से मुराद आपने जो तफसर की है बाज़ अहल इम से नकल की है वो है शाह इरल्ला की तफसर के अतबार से शाह इरल्ला का एक माना बाज़ अहिल ने यह लिया है कि मनासिकहज कुल मनासिकल मशाहर जहाँ जहाँ अल्लाह ने नशानदेही की जैसे अरफात में जो है वक़ूफ करना है मुजतलफ में की जो बयात है वहाँ की जो जब गुजा, शब, 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 शब गुजारी है फिर जो है मीना में जो रहना है वगैरह तो ये सारी चीज़ें मिला करके शाहिरल्लह हैं ऐसे में वहाँ मुनाफे का माना क्या होगा मुनाफ़ों का माना ये होगा कि जब तक यहाँ एक मुसलमान रहता है मुकम्मल तौर तो पर वो दीनी दुनियावी हर दो एतबार से मुस्तफ़ीद होते रहता है इला अजल मुसमा यानी मतलब ये है कि इसका जो अजर है उसे उसे जो है अल्लाह के यहाँ कयामत तक मिलेगा इला अजल मुसम यानि कब तक जब तक कि वो इन जगहों में रहेगा इन जगहों से जब वो निकल जाएगा तो फिर वो वो जो मुस्तफ़ होता था वो बहुत सारी चीज़ों से नियमतों से अल्लाह की खसूस रहमत से और जो है उन मशा की जो जगहें हैं वहाँ जो रहता था जो मुस्तफ़ होता था इला अजल मुसमा से मुराद जो है यानी वो वक्त तक जब तक के जो है वो हज के अयाम नहीं हो जाते जब हज के अयाम गुजर जाते हैं और उन जगहों से वो निकल जाता है तो गोया कि इला अजल मुसमा इला अजल मुसमा से मुराद वो मियाद है वह मुकर्र तारीख है वह मुकर वक्त है वो बात आपने बताई है बस बज़ाहलम की तरफ़ से ये सब अकवाल की हैसियत है ये लेकिन जो उस आयत करीमा का जो सबसे दुरुस्त माना मफो में जैसे अक्सर असहाब इल्म ने बयान किया है मुफसरीन ने बयान किया है और अल्लाह के रसूल से जो उसकी तफसीर मिलती है सल्हसम वो पहला कॉलेज जिसे हमने आपको मुफसल बयान कर दिया है एक और कौल भी मिलता है इब्न अब्बास रज़ी कि इससे मुराद जो है वालकुम्फी हाँ मनाफ़ से मुराद लोगों से होने वाली आपसी जो तिजारत होती है जो बया शरा है वगैरह वगैरह ज़ाहिर बात है ये उन जगहों से मुतल है इला अजल मुसम्मा तो फिर वहाँ से जब वो निकल जाता है तो गोया कि यानी जब वो सारे अरकान से सारी चीज़ों से फ़ारिग हो जाता है और फिर वो बहसत हाजी हज के उम्र से वो खरूज कर लेता है तो इलाज़ इलाजलब मुसम्मा वो मुराद है। खैर ये सब जो अकवाल के हैसत हैं लेकिन पहला वाला जो कौल है वही दुरुस्त है वही राज कौल है और अक्सर असाब इलम ने उस एक कौल को ही जिक्र करके इतफ़ा की हैं क्योंकि वही असल है यहाँ पर इसहायत करीमा की तफसर से मुतलहा मनाफिया मुसमा फ़ुम्मल अलबैत आतीक़ ये जो तफसीरी जो मालूम है जो हमने आपके सामने रखी हैं इन इसकी जो बकिया बातें हैं कि सुहा अलब लातिक इसका क्या माना मफ़ूम है इससे मुराद क्या है वो आने वाली तफसीर में मैं आपके सामने रखूँगा इन शाल से दुआ है कि अल्लाह ताली हमारी इस नशत को हमारे इस हमारे वालदान हमारे कुलमाविन हमारे मुशाहिद हमारी अहलिया के लिए हमारी फ़र्जंदान के लिए हमारे एक हमारे मुआविन शेख इब्न यूनुस मुहम्मदी उस्ताद जामिया मोहम्मद मंसूरा बेंगलोर के लिए और और जो है बिज़ात हमारे फर्जंदूद के लिए जो कम सीने में मुकम्मल तौर तो पर जो है हमारा ताउन करते हैं साथ देते हैं और हमारे अहलिया को अल्लाह जज़ाय खैर दे मुकम्मल मेरा साथ दे, दे रही हैं इस रिकॉर्डिंग में और इस बाब ने अल्लाह ताला सबके हसनात में शुमार फरमाए हमारे लिए सही स्य, हमारे सही के लिए कफ़ारा कर दे और हमारे मीज़ान को अल्लाह अल्लाह की तौफीक से जो नेकियां हुई अल्लाह इस, इसकी इसकी वजह से भारी कर दे सुबह अल्लाह कशतल अंत सफ़रु व वतो